जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आज सावन का पहला दिन है। जी हाँ, आपको भी सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि जो दो सालों में ठप हो चुका था काफी ज्यादा कोरोना को लेकर के जो बिजनेस, जो प्रसाद वाले जो भैया बांटते थे उनका बिजनेस दो सालों में ठप हो चुका था, क्योंकि सावन मनाया तो जाता था, बाबा रहते तो है मंदिर में, बाबा की श्रृंगार तो होती है, लेकिन ये जो दुकान वाले भैया हैं इनका सेल नहीं था, इनकी बिक्री नहीं थी, काफी ज्यादा ठप हो चुका था ये जो बिजनेस है। वहीं आज आइए हम इनसे बात करते हैं, इनको उम्मीद है क्या इस बार दो सालों के बाद जो ये सावन आया है तो क्या आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि दो साल से जो भक्त वृंद हैं उनके अंदर जो भावनाएं थी, जज्बात थी, जो शिव भक्ति का, वो पूरा नहीं कर पाए थे। और ईश्वरीय कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से इस वर्ष कोरोना कुछ शांति है, इसलिए इस बार तो बहुत ज़्यादा अति उत्साह भक्तों के अंदर देखा जा रहा है। और चूँकि आज प्रथम दिन था और सुबह का जो समय था प्रातः काल से ही आज भक्तों में अति उत्साह देखा गया और काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग भी, बाहर लोग भी मंदिर को आए और विधि व्यवस्था भी प्रशासन की बहुत अच्छी है, इसलिए इस बार तो बहुत ही अच्छा रहने का उम्मीद है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो भक्त है भगवान के वो आ रहे हैं। देखिए, श्रावण में बारिश में भींगने का एक अलग ही आनंद है, ये हमारी संस्कृति रही है कि मानसून को एंजॉय करो और श्रावण इसलिए तो आया सावन झूम के, तो जब तक ये श्रावण में बारिश नहीं हो तो श्रावण का आनंद नहीं आता है। नहीं, दो साल में तो ये तो सर विदित है, स्वतः अनुमान लगाने की चीज़ है कि दो साल से हम लोग छोटे दुकानदार हैं, इसी से जीना खाना है, तो दो साल में काफ़ी हम लोगों ने आर्थिक तंगी झेली होगी, तो लेकिन इस बार लगता है कि बाबा वो सारी आर्थिक तंगी जो हम लोग कर्ज में आए वो भरपाई हो जाएगी, ऐसे पूरा अनुमान है कि बाबा आप पे मेहरबान है। बाबा हम पर मेहरबान नहीं, बाबा पूरे सृष्टि पर इस बार मेहरबान है, मानव जाति पर मेहरबान है कि कोरोना इस बार जो है कम हो गया है। तो आइए वही हम कुछ और दुकानदारों से उनकी हाल जानने की कोशिश करते हैं। बरसात में खड़े होकर ये जो टॉयज बेचते हैं, ये जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे उनके लिए ये टॉयज बेचते हैं, तो वही इनके बच्चे किस हालत में है आइए इनसे बात करते हैं। क्या क्या बिक्री हुआ आज सुबह से? अभी तो आईवे किए हैं, बारिश में खड़े होकर बेच रहे हैं। हाँ, पानी तो अभी छूट गया है, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि आएगा छोटा छोटा बच्चा लोग आपके पास? अब यार उसका कोई गारंटी थोड़ी है उसका। पिछले दो साल से कैसे आप अपने बच्चे को किस हालत में पाल रहे थे? ठीक है, जैसे भी हुआ अपना रोजगार करके चला रहे थे। तो आपने देखा कि इनका भी हाल कुछ बेहाल ही था, किसी हाल में भी अपने बच्चे को पाल रहे थे, बोल रहे हैं इनका कहना है कि ये रोजगार से अपना पेट पाल ही रहे थे। सावन का महीना हो और चूड़ी की जो बातें हैं वो हो नहीं सकती, आप हर एक सुहाग वाली महिलाओं को देखेंगे वो हर एक चूड़ी में घूमती है, श्रृंगार करती है, सोलह श्रृंगार करती है। तो वहीं हमारे साथ ये दुकानदार जो आंटी, ये जो दुकानदार है इनसे बात करते हैं कि अभी जो सावन का महीना है इस महीने में चूड़ी की काफ़ी बिक्री होती है, आपका क्या है, कैसा बिक्री चल रहा है? अभी तो नहीं है, शुरुआत है, और चूड़ी की बिक्री रहता है बाकी उतना नहीं रहता है, लेकिन मानना है कि सावन में लोग चूड़ी लेते हैं। हाँ, लेता है लोग चूड़ी, तो उसके बाद भी आपका बिक्री नहीं है? नहीं है, दुकान पूरा लग जाता है ना, तो जे जहाँ से मन करता है वजह से लेता है। तो वही इनका कहना था कि जहाँ दुकान लग जाता है वहीं से लोग ले लेते हैं, और सावन के महीने में जो हरी चूड़ी होती है ये महिलाएं पहनी रहती है, आप भी शायद देखते ही होंगे। तो आइए हम अभी जनता से भी जानते हैं कि वो पूजा करके आ रही है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? बहुत बड़ा उत्साह, तीन साल के बाद, दो साल के बाद ऊपर खुला है, बहुत भीड़ है और बाबा के प्रति बहुत आस्था है। हम लोग का महाकाल यही है रांची के, झारखंड में एक महाकाल बाबा बैद्यनाथ है, दूसरा महाकाल यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा से मिलके आ रहे हैं? बिल्कुल मिलके आ रहा हूँ, साक्षात मिलके आ रहा हूँ, बाबा से बहुत कुछ प्राप्ति करके भी आ रहा हूँ। और क्या खरीदारी की है सावन? सावन में खरीदारी करने नहीं आता हूँ, बाबा से मिलने आता हूँ। खरीदारी तो हर जगह है, रांची बहुत बड़ा टाउन है, खरीदारी करने का मौका नहीं है, बाबा से मिलने वही काफ़ी है। तो आपने देखा कि जनता में भी काफ़ी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है, जनता में काफ़ी उत्साह। जो दुकानदार है, कुछ दुकानदार का कहना है कि हाँ कुछ दिन में जनता आएगी, हो सकता है खरीदेगी, चूड़ी वाले हैं। प्रसाद वाले भैया का कहना है कि हाँ वो भी काफ़ी उत्साह में, क्योंकि ये जो कोरोना आया था, कोरोना ने सबके बिजनेस को, सबके दुकान में जो बिजनेस है सबको ठप कर दिया था, और वहीं आज काफ़ी उत्साह जनता में, बाबा के भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं अब हम आपको दूसरी स्टोरी दिखाते हैं, बाबा के पास लेके चलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत,
रांची से सहयोगी शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।